अस्सलामु अलैकुम एंड गुड इवनिंग फ्रॉम फैसलाबाद। मैं मोहम्मद शकील, आपका दोस्त, आपका भाई, एकदम शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद। आज का हमारा एपिसोड है जी देसी मुर्ग के हवाले से। तो देसी मुर्ग असल में दिन ब दिन यूनिक होता जा रहा है, क्योंकि ये पुरानी तर्ज की एक आइटम है जो लोग खाते थे, और वो पुराने लोग ही थे जो खाते थे। लेकिन अब जो है ना, वो मतलब थोड़ा सा माहौल चेंज हो रहा है, माहौल चेंजिंग के साथ साथ लोग इससे दूर होते जा रहे हैं। बहरहाल ये यूनिक चीज़ है। इस वक्त मैं पहुंच चुका हूं बुआना बाज़ार में। बुआना बाज़ार के बिल्कुल आप एंड पे आए ना, तो क्लाक टावर से जब आप बाहर को निकलते हैं तो एंड पे एक बिल्ला जी देसी मुर्ग वाले बैठे हुए हैं। तो उनका मुर्ग चेक करने पहुंच गए हैं कि उनके मुर्ग का देसी का लेवल है, और अगर लेवल है तो आपको बताएँगे। वीडियो में साथ जुड़े रहिए। असल में इन्होंने अपना सेटअप जो बनाया हुआ है ना, एक हार शार की दुकान है जहाँ पर दूल्हा ड्रेस वगैरह का सामान होता है, तो उसके आगे इन्होंने अपना ना सड़क पे ही एक सेटअप लगाया हुआ है। सामने इनके वो बुटीक की दुकानें हैं। तो मज़ीद इसको चेक करते हैं खा के और देखते हैं। मेरे इर्द गिर्द आप देख रहे हैं कि काफ़ी शोर है, और सामने भी ऐसे ही मंडी लगी हुई है। और ये देखें ज़रा, ये और ये, तो चेक करते हैं। वीडियो में साथ जुड़े रहिएगा। अपने भाई बिल्ला साहब बैठे हुए हैं, जिन्हों का यह सारा सैटअप आते मसरूफ है, थोड़े जे टाइम दे देन। भाई बिल्ले सर, की हाल चाल है? सेहत भी है ठीक है? किस तरह कम शम? माशाल्लाह भाई बिल्ले, पहले तो यह दसो कि केड़ी ऐसी चीज है ये जी तुम इन्नी माशाल्लाह मंडी लाई हुई है? खा के तो चेक करते हैं, लेकिन कोई खास मसाले आ या कोई खास तरीका वा या रब दी रहमत? लेकिन हद दा जायका भी काउंट करदा ना विच। अच्छा, किन्ने करसे तो कर रहे हैं? माशाल्लाह अपना कर दे। ते उस तो पहले? अच्छा, इत्थे ही? माशाल्लाह, अल्लाह खैर करे। ठीक है ना काम? साडे कोई आने वाले नु पैगाम? मसरूफ हो गए? मसरूफ साडे आने वाले नु कोई पैगाम? सर वो तो असं दसांगे इंशाल्लाह कि वाकई थोड़े जो माहौल देख रहे हैं लेवल नज़र आ रहा सानू, तो इंशाल्लाह बाकी चेक कर दें जी। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे पास देसी मुर्ग पहुंच चुका है। ये देसी मुर्ग पूरा अपनी टेंडर लेवल में है। ये ज़रा बोटी का लेवल चेक करें, बोटी थोड़ी सी हार्ड होती है देसी की, लेकिन क्या बात है यार, कमाल है। ओए होए होए, असल में बात वही है कि हम लोग जो है ना इन यूनिक चीज़ों से काफ़ी दूर होते जा रहे हैं। तो ये पुराने दौर के लोग बहुत खाते थे, इसीलिए वो फिट थे, लेकिन आजकल हम लोग नहीं खाते। जो इस चीज़ को समझते हैं वो खाते हैं, तो इनको खाना चाहिए इन चीज़ों को। ये देखें ज़रा, ओए होए 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 होए, ओए होए होए, ये ज़रा चेक करें।
फुल देसी माहौल है, शोरबा भी पूरा अपने रोब में है, क्या बात है। साथ में हरी मिर्च है, धनिया शनिया है, काफ़ी ज़बरदस्त माहौल है इनका। तो रोटी इसके साथ घर की पकी हुई रोटी है, कोई रेडीमेड काम नहीं है। जो घर में हम लोग गंदम की इस्तेमाल करते हैं ना, प्योर गंदम की, वही रोटी है ये। इसलिए थोड़ी सी गंदम की मैं कह रहा हूँ प्योर, कि ये थोड़ी सी ब्लैक ब्लैक है, इसलिए प्योर गंदम है। वो जो वो वलायती आटा जो होता है ना, वो नहीं है। तो पहली बाइट मैं लूँगा ज़रा बोटी छोटी इसमें ज़रा रख के, ये ज़रा शोरबे में डबो के ये ज़रा चेक करें। बिस्मिल्लाह रहमान, ओए होए 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 यार, अखीर है यार, अखीर जायका है यार इसका। मसाले इतने तेज़ नहीं हैं, नॉर्मल है। उन्होंने अलहदा से मसाला भी रखा हुआ है कि अगर किसी ने तेज़ खाना है तो वो तेज़ खा सकता है। ये ज़रा चेक करें, ओए होए होए होए, वाह क्या बात, ओए होए। ये ज़रा इसमें डाल के रोटी का ज़रा पूरा चक्कू डुबो के, ये वाह क्या बात, वाह हाय हाय, वाह। अस्सलाम वालेकुम भाई ना। वालेकुम सलाम। सर की नाम है अपना? नवाज। नवाज भाई किन्ने करसे तो इत्थों खा रहे हैं देसी मुर्गा? पंद्रह बीस साल तो खा रहे हैं। कोई जायके च कोई म्यार च फर्क? ओही म्यार है, ओही जायका वा। तू मुतमईन है जायके तो? चलो कितों आके खाने? अल्लाह खैर करे, जजाक अल्लाह, अल्लाह पाक मेरे भरा नूं ज्यादा दे। वो सामने जी आपको क्लॉक टावर नजर आ रहा है, क्लॉक टावर से जब आप अंदर को आएंगे ना, बाहर को निकलेंगे तो बाहर को नड़वाला चौक आ जाता है। नड़वाला चौक से जब आप बाहर को निकलेंगे तो ये बुटीक की दुकानें हैं, इसके साथ ही इन्होंने ये सेटअप बनाया हुआ है पिल्ला जी देसी मुर्ग वाले। हाँ भा की कहना वा? कहना सी की भाजी साडी दुकान ते आओ, माशाल्लाह अच्छी चीज पकाई दी है सी। अच्छा, ते हर गा खुश हो के खा रहे हैं। कोई होर को गल दिल च अरमान होवे? कुछ नहीं, कोई अरमान, कोई अरमान नहीं, कोई अरमान, खुशां जिंदगी तो चुनी दे। अच्छा जी, ठीक हो, अल्लाह खैर करे, अल्लाह तेरी जिंदगी करे। हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमने इनका देसी मुर्ग खा लिया है। देसी मुर्ग का वाकई लेवल है, बड़ा टेंडर लेवल है। तो आप लोग जब भी फैसलाबाद में आएँ, उमीपुर बाज़ार जब आप पहुंचेंगे तो बिल्कुल कॉर्नर पे जो है ना, वो नड़वाला रोड है, नड़वाले रोड के कॉर्नर पे ये बैठे हुए हैं। मेरे पीछे आपको माहौल नज़र आ रहा है कि पूरा इनका माहौल बना हुआ है। तो उम्मीद करता हूं कि भाई की ये छोटी सी कोशिश आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और भाई को दुआओं में याद रखिएगा। चलते चलते आपको एक और चीज़ दिखाएं, ये देखें, ये देखें, और पाकिस्तान जिंदाबाद।